नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है इदिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1.30 रुपीज़ पे। दोस्तों, ले देता हूँ आप लोग को चार्ट पर, वहाँ पर हम चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने जो मैक्सिमम टाइम में रिटर्न दिया है वो दिया है -92.67% का। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -94.98% का। 1 ईयर में रिटर्न दिया है 85.71%। जैसा देख पा रहे पिछले एक साल में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। ईयर टू ईयर रिटर्न दिया है 62.50% का। 6 मंथ में रिटर्न दिया 116.67% का। 1 मंथ में रिटर्न दिया है -7.14% का। 5 डेज में रिटर्न दिया है -7.14% का। एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 0% का। दोस्तों, आ गए स्क्रीन वेबसाइट पे। यहाँ पे हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995। इट प्रोवाइड्स गैस एंड वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स अंडर द ब्रांड नेम निटी टू टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, बैंकिंग एंड मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इट इज़ ऑल्सो ट्रेड्स इन फायर डिटेक्शन सिस्टम्स एंड हाई प्रेशर सीमलेस सिलेंडर। Company is promoted by Mr. Nitin Shah and his sons, Mr. Rahul and Mr. Kunal Shah. ये जो कंपनी है नितिन फायर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 1995 में शुरू हुई थी। इट प्रोवाइड गैस एंड वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स। ये कंपनी गैस और वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करती है ब्रांड नेम निटी के अंडर में। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को, बैंकिंग को एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को। इट आल्सो ट्रेड्स इन फायर डिटेक्शन सिस्टम्स एंड हाई प्रेशर सीमलेस सिलेंडर्स। और ये कंपनी जो दूसरा ये भी बिजनेस करती है फायर डिटेक्शन सिस्टम्स एंड हाई प्रेशर सीमलेस सिलेंडर का। कंपनी इज़ प्रमोटेड बाय मिस्टर नितिन शाह। जो कंपनी का जो प्रमोशन किया जा रहा है वो मिस्टर नितिन शाह के द्वारा किया जा रहा है, और उनके जो सन्स हैं मिस्टर राहुल एंड कुणाल शाह के द्वारा। ले चलता हूँ आप लोग किसकी वेबसाइट पे। वेबसाइट खुलने में काफ़ी वक्त लग रहा है। दूसरी कंपनी की वेबसाइट है नितिन फायर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिंस 1984। बहुत ही पुरानी कंपनी है 1984 से। और जैसा कि देख पा रहे हैं कंपनी काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स है, जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। यहाँ कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और कंपनी के बारे में देखिए, MD साहब हैं कंपनी के, मिस्टर नितिन शाह जी। और यहाँ पर कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। मैं डिटेल में जाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आप लोग को वापस ले चलता हूँ स्क्रीनर वेबसाइट पे। इसकी जो मार्केट कैप है वो है 38 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 1.30 रुपीज़ की है। इसकी जो 52 वीक हाई है 3.06 रुपीज़ का है। जो 52 वीक इसका लो है 30 पैसे का है। इसकी जो बुक वैल्यू है 11.08 रुपीज़ की। इसकी डिविडेंड यील्ड है 0 की। जो ROC है इसकी -9.12% की। इसकी जो ROE है -39.3% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज़ की है। दूसरे चार्ट है नितिन फायर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं इसने अभी ये जो ट्रेड हो रहा है 1.30 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। क्रॉस चेक करते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.11 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है 0.11 टाइम्स की बुक वैल्यू का ट्रेड हो रहा है। कौन चेक करते हैं, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है।
द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.73% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है 4.73% की। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -8.81% फॉर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो रहा है -8.81% का। माफ़ कीजिए, कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 218.01 डेज। कंपनी का जो डिबेटर्स है वो हाई है 218.01 का है। पीयर कंपेरिजन चेक करते हैं, जो कंपनी बेसिकली जो काम करती है कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग की है। सेक्टर जो नंबर वन कंपनी है वो है हिंद एरोनॉटिक्स, उसके बाद थर्मैक्स है, देन HLE ग्लासकोट है, उसके बाद भारत डायनामिक्स है, देन GMM फाउडलर है, उसके बाद ब्राज इंडस्ट्रीज़ है, देन 7 नंबर पे BML लिमिटेड है, नंबर 8 पे नितिन फायर प्रोडक्शन है। हम इसका क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। जून 2014 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी 19 करोड़ की थी, और मार्च 2017 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी -110 करोड़ की थी। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2007 में जो इसका नेट प्रॉफिट था 10 करोड़ का था, और मार्च 2018 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था -167 करोड़ का। अदर डिटेल चेक करते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 21%, 5 ईयर्स में 5%, 3 ईयर्स में -8%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हैं, 10 ईयर्स में है, सॉरी यहाँ पर जानकारी नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में -27% है, 5 ईयर्स में है -45%, 3 ईयर्स में -18% है, 1 ईयर में 86% है। रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करते हैं, 10 ईयर्स में 7%, 5 ईयर्स में 0%, 3 ईयर्स में -9% और लास्ट ईयर में -39%। हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2007 में जो इसका टोटल एसेट्स था वो था 94 करोड़ का, और मार्च 2018 में जो इसकी टोटल एसेट्स है वो 1403 करोड़ की है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2007 में जो इसका नेट कैश फ्लो था वो 5 करोड़ का था, और मार्च 2018 में जो इसका नेट कैश फ्लो वो है 7 करोड़ का। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2007 में जो इसकी ROC थी वो 47% की थी, और मार्च 2018 में जो इसकी ROC है वो है -9% की। हम शेयर होल्डिंग पर चेक करते हैं। नितिन फायर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सितंबर 2016 में प्रमोटर्स पास जो शेयर थे 72.51% शेयर थे, और जून 2019 में प्रमोटर्स पास जो शेयर थे 59.44% शेयर थे। यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं प्रमोटर्स ने जो अपनी शेयर होल्डिंग है यहाँ पर कम की थी। सितंबर 2016 में फैज के पास जो शेयर थे 3.86% शेयर थे, और जून 2019 में फैज के पास जो शेयर थे 2.07% शेयर थे। यहाँ पर फैज ने भी अपनी शेयर होल्डिंग कम की थी। सितंबर 2016 में डियाज के पास जो शेयर थे 7.34% शेयर थे, और जून 2019 में डियाज के पास जो शेयर थे 3.40% शेयर थे। यहाँ पर डियाज ने भी अपनी शेयर होल्डिंग कम की थी। सितंबर 2016 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 16.28% शेयर थे, और जून 2019 में पब्लिक के पास जो शेयर हैं 35.10% शेयर थे। दोस्तों देख, हमने यहाँ पर देखा कि एक ऐसा स्टॉक था जिसमें प्रमोटर्स, FIDF, पब्लिक सभी ने अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी थी। दोस्तों ये हमने डिटेल एनालिसिस किया नितिन फायर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।